योर नेम इज बेटा? फातिका फारूक। फातिका फारूक, फातिका आपको हेयर स्टाइल, छोटे हेयर स्टाइल रखने के लिए किसने बोला? सर पापा ने बोला। पापा ने बोला है, तो पापा को ये हेयर स्टाइल पसंद है? यस सर। अच्छा आपको? यस सर मुझे भी पसंद। आपको भी पसंद है। अच्छा आज जब बड़े हो जाएंगे तो तब कैसे हेयर स्टाइल रखेंगे? सर जब 10th में चले जाएंगे तब बड़े रखेंगे। तब बड़े रखेंगे, अच्छा ठीक है। फातिका कभी कोई आपको बोलता नहीं है कि ये बाल छोटे क्यों रखते हो, गर्ल्स हो गए? कोई कभी नहीं टोकता है? अच्छा कोई ऐसे फेमस पर्सनालिटी बताओ जिसके बाल ऐसे छोटे हो। सर गीता बबीता थी। गीता बबीता थी जी, और हिना खान अभी फिलहाल है। अभी हिना खान कैंसर हो गया इस वजह से। अच्छा कैंसर की वजह से बाल छोटे करवा लेते हैं, तो बता सकते हैं कैंसर कैसे होता है? कैंसर का कोई क्योर पता हो आपको? कैंसर को सही मीनिंग क्या है? मेरे नेम का मीनिंग बहादुर। किताबों में एक पेड़ का जिक्र है जिससे कैंसर को ट्रीट किया जाता था पहले, को ट्री का नाम है, याद करो। हाँ हाँ सही जा रही है। गुड दानिया, व्हाई शुड वी चूज यू, हम आपको क्यों लें? सर बिकॉज आई एम हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड द टॉपर ऑफ माय स्कूल। आई रिसीव मेनी अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स इन माय स्कूल एंड आई वांट टू रिप्रेजेंट एएमयू जस्ट लाइक। ओके, व्हाई एएमयू? एएमयू के अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। सर बिकॉज इट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इट हैज लेस फीस, स्टडी एनवायरनमेंट, इंटर्नशिप एंड इस्लामिक कल्चर। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटीज टू इंट्रोड्यूस मायसेल्फ। माय नेम इज दानिया मिनाल, माय फादर्स नेम इज मिस्टर ज़िशान आलम, ही इज लेक्चरिंग शिबली नेशनल इंटर कॉलेज। My mother's name is Mrs. Ghazala Parveen Fatima. She is a homemaker. I live in Azamgarh. My hobbies are painting and crafting. I am 12 years old. Generally, I like all subjects, but my favorite subject is science. I want to become an IAS officer, inshallah. That's all about me. Thank you. You said that you belong to Azamgarh. Azamgarh is famous for what? Sir, Darul Musannifeen Library, okay. Shibli College, Black Pottery and Banarsi Sari. Banarsi Sari. And you said you want to become an IPS officer. What is the full form of IPS? So, IAS officer. IAS officer. Okay. What is the full form of IAS officer? Indian Administrative Service. Okay, Maria, you want to become what? Astronomer. Astronomer. Astronomer, kya hote hain? Who are astronomers? Astronomer, who scientists hote hain, jo research karte hain, Earth ke atmosphere ke bahar, universe. अच्छा फिर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर कौन होते हैं? सर एस्ट्रोलॉजर वो लोग होते हैं जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। अच्छा एटमॉस्फेयर वर्ड यूज किया, व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर? सर फाइव। कौन कौन से? सर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ओके हम आप किस लेयर में पाए? ओजोन किस लेयर में पाया जाता है? अच्छा सर ओजोन किस लेयर में पाया जाता है? सर स्ट्रेटोस्फेयर। एरोप्लेन कौन से लेयर में उड़ते हैं? सर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। अच्छा बर्ड्स? बर्ड्स भी। अच्छा अगर मेरी हड्डियाँ कमजोर है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं? कौन सी बीमारियाँ ज्यादा होने के चांसेस हैं? मैं अगर मेरी हड्डियाँ कमजोर है तो मेरे को कौन सा बीमारी हुआ होगा? रिकेट्स हुआ होगा। रिकेट्स किसके वजह से होता है? विटामिन डी की वजह से होता है। ठीक है थैंक यू। यू वॉन्ट टू बिकम वॉट? गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट डज वॉट? गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल स्पेशलिस्ट डॉक्टर। Okay, can you write the spelling of gynecologist? Okay, we used to say honest and we write it with the letter H. Na? So, H kyun likhte hain aur H kya hai uska? Sir, wo spelling to uski H-O-N-E-S-T hoti hai. Okay. Lekin speaking pronunciation mein hum honest kehte hain kyunki H silent hota hai. एक साइलेंट होता है। क्यों साइलेंट रखने वाले वर्ड्स क्यों रखे जाते हैं? जब ऑनेस्टली लिखना था तो वो से लिखते हो ऑनेस्ट? ओके नहीं पता है। योर फेवरेट सब्जेक्ट इज व्हाट? माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस। साइंस, यू हैवंट हर्ड अबाउट साइंस इन योर क्लास? यू हैव ईवीएस। वेयर डू गेट नॉलेज अबाउट साइंस? यू हैव टू स्टडी ईवीएस है ना? एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएस? एनवायरमेंटल। So you told that your favorite subject is science. How is it possible? If you haven't read about any subject, then your favorite subject is science. How? Science कैसे हो सकता है? आपका तो favorite subject, आपने तो EVS पढ़ा है। कहाँ से पढ़ा आपने science के बारे में? No sir, मैंने EVS नहीं, मैंने science ही। Science ही पढ़ा है? स्कूल में आपके science चलता है? कौन सा स्कूल है आपका? इस्लामिक मिशन। इस्लामिक मिशन स्कूल में प्रिंसिपल का नाम क्या है? मिस्टर शादी। Sentence, phrase or clause make a difference? Sentence is a group of words that
sentence starts with a capital letter and stops with a full stop or exclamatory mark and question mark. Phrases are the fill. We can conclude that phrases are also in sentences, but we can't conclude that clauses is a part because clauses is a part of sentence, not a sentence. And what are phrases? We can conclude that phrases are sentences. Because what is the difference? Phrases make some means, but without phrases or without phrases, the clauses doesn't mean. When we have to use exclamatory marks? When we show emotions. Okay, what are the different types of sentences? There are four types of sentences. Four? Five types of sentences. Optative sentence, in which there are wishes. Just tell the name. Operative sentence, assertive sentence, assertive, exclamatory, imperative, interrogative. Okay, what is the difference? Then what are idioms? Idioms are, we can say, kahawat in Hindi. Kahawat in Hindi. The, are they sentences or not? They are phrases. They are phrases. ये बताइए कि जो रिलेशन होता है सबसे टॉप मोस्ट हम यूनिट कन्वर्जन में जो यूज करते हैं सबसे बड़ा क्वांटिटी कौन सा है किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर के बाद डेकामीटर गुड उसके बाद डेसीमीटर उसके बाद मीटर मीटर के बाद डेसीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर सबसे लोएस्ट हाँ मिलीमीटर बहुत सही अच्छा बता सकते हैं हम लोग ना जो मेजरमेंट करते हैं दूध का किस में मेजर करेंगे हम सर लीटर अच्छा लीटर का मीटर से कोई लेना देना है रिलेशन है लीटर का मीटर से यस मिलीलीटर हां तो सर हम उसे जब कहां में जब कन्वर्ट होता है छोटी यूनिट में तो लीटर से हम मिलीलीटर में करते हैं छोटी ठीक टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं सर 8 है अच्छा नाम बता सकते हैं सबके यस सर कौन-कौन से मरकरी मार्स अर्थ जुपिटर वीनस सैटर्न नेपच्यून एंड नेपच्यून अच्छा एक पहले ना 9 प्लैनेट हुआ करता था एक प्लैनेट गायब हो गया yes. कौन सा प्लूटो अच्छा प्लूटो क्यों गायब हो गया उसको कौन से प्लैनेट से नाम से जानते थे सर वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट था स्मॉलेस्ट प्लैनेट था यस सर ये सबसे फार्थेस्ट प्लैनेट था यस सर सबसे फार्थेस्ट था तो उसको प्लैनेट को क्यों नहीं काउंट करते सॉरी पहले तो काउंट करते थे अब नहीं काउंट करते अच्छा कॉन्स्टेलेशन जानते हैं कॉन्स्टेलेशन क्या होता है अच्छा स्टार्स क्या है प्लैनेट है क्या है सोलर सिस्टम के क्या पार्ट है स्टार्स सन है स्टार एक सन है ठीक है सन एक स्टार है क्या सही होगा स्टार सन है सन स्टार्स सन स्टार है स्टार सन ठीक आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं सर ऑप्टोमोलॉजिस्ट ऑप्टोमोलॉजिस्ट क्या होता है सर ऑप्टोमोलॉजिस्ट आई का डॉक्टर होता है जो आई डिजीजेस का इलाज करता है अच्छा तो आंख के तीन पार्ट बता सकते हैं कौन कौन से हैं सर कॉर्निया बीमारियों के नाम बता सकते हैं कौन कौन से सर विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है आंखों में सर नाइट ब्लाइंडनेस होती है कौन सी होती है विटामिन बी की कमी से विटामिन सी की कमी से विटामिन डी की कमी से रिकेट्स अगर मान लीजिए मेरी हड्डियां कमजोर हो रही हैं तो मैं उसको कैसे सही करूं सर आपको विटामिन डी जिन फूड्स में पाया जाता है उनको जैसे कोई एग्जांपल सर मिल्क मीट और कुछ योर गुड नेम इज अदीबा इकबाल अदीबा इकबाल अदीबा का क्या मतलब होता है लिटरेरी वुमन पढ़ी लिखी हां बहुत सही अदीबा आप कहां से बिलोंग करती हैं शाहजहांपुर ओके शाहजहांपुर किस लिए फेमस है शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है यह रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह की बर्थ प्लेस है वी सेलिब्रेट लोकल शहीद दिवस ऑन 19 दिसंबर एवरी ईयर बिकॉज ऑन दिस डे रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी इस दिन और कोई ऐसी इससे हटके हिस्टोरिक मोमेंट्स हिस्टोरिक सेट का कोई चीज शाहजहांपुर की फेमस खाने पीने की कुछ नो सर खाने पीने का नहीं फेमस है यहाँ पे इट इज फेमस फॉर कालीन उद्योग एंड सराफा बाजार और शाहजहां कौन थे जिनके नाम पर आपका ये हाँ शाहजहां कौन थे जिसके नाम पे आपका ये शहर है शाहजहां पर मुगल एम्परर शाहजहां का रियल नेम क्या था एक्चुअल नेम क्या था
खुर्रम. अच्छा खुर्रम था बट ओके. योर एम इन लाइफ इज सर डॉक्टर. डॉक्टर. एम और गोल में क्या डिफरेंस है? एम क्या होता है, गोल क्या होता है? अच्छा डॉक्टर बनना चाहती है, क्यों डॉक्टर बनना चाहती हैं आप? सर बिकॉज़ आई हैव सीन मेनी डॉक्टर्स सेविंग लाइफ्स ऑफ अदर्स एंड मेनी डॉक्टर्स हैव पैशनेट लाइफ एंड डॉक्टर्स कैन रिमूव द इलनेस एंड हार्मिंग ऑफ दी. तो आपके साथ कोई ऐसा कोई सिचुएशन आया जिसमें आपका डॉक्टर का बहुत रोल रहा, या किस डॉक्टर से आप इंस्पायर्ड हैं एकदम? सर खान वासिक. डॉक्टर खान वासिक सर. अच्छा किस चीज के डॉक्टर हैं वो? सर वो चिल्ड्रन के डॉक्टर हैं. बच्चों के डॉक्टर हैं? यस सर. अच्छा ठीक है, तो आप भी बच्चों के डॉक्टर बनना चाहती हैं? यस सर. ओके ठीक है. क्योंकि हमें बच्चे बहुत ज्यादा पसंद हैं. बच्चे बहुत पसंद हैं, बहुत शानदार. साइंस, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर ये कह सकते हैं कि दे आर मैनमेड fertilizer. Okay. And they have chemicals and manure you can make from a manure box. Manure box. Okay. Out of leftovers like peels of fruit. Okay. Can you tell me the different types of crops? Different types of crops. There are three types of crops. Zaid crops, Rabi crops and Kharif crops. Okay. कब इसको शोप या वो करते हैं, काटते हैं? और एग्जांपल के साथ बताइए जरा मुझे. एग्जांपल के साथ सर रबी क्रॉप इज समर क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप इज विंटर वो रेनी क्रॉप एंड मॉनसून क्रॉप एंड ज़ैद क्रॉप इज विंटर. ओके विद एग्जांपल्स वीट रबी क्रॉप एंड रेनी पीस एंड विंटर क्रॉप पीस. योर गुड नेम इज सना. सना. यस सना. सना. अच्छा आप सना हम लोग पढ़ते हैं नमाज में. यस सर. सुना सकते हैं आप? हां सना. नमाज की शुरुआत करते हैं ना सना सुभानकल्लाह. बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं हम लोग? सॉरी सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सना सुभानकल्लाह हम भी कवा तबारक अस्मु कवा तअज्जद कवा ला इलाहा इल्लल्लाह. अच्छा खाने की दुआ क्या है? खाने की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है बिस्मिल्लाह वाला बरकत देता. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब पढ़ते हैं सब में बिस्मिल्लाह पढ़ के चल जाते हैं. खाने की दुआ. अच्छा खाने के बाद की दुआ उसमें तो बिस्मिल्लाह नहीं कर सकते हैं? उसमें बिस्मिल्लाह करके उठ जाते हैं? नहीं बिस्मिल्लाह इज बेटर नो डाउट, लेकिन एक स्पेसिफिक दुआ है ना. अच्छा गुसल खाना में जाने की दुआ? अल्लाह में नहीं आ जाओ भी का मैं उसी रंग को बाइस नहीं पता. उससे बाहर निकलने की दुआ? नहीं गुफरान का. हाँ गुफरान का. ओके ये बताए सोने की दुआ? सोने की दुआ अल्लाह का. अच्छा ये बताइए मुझे पहला कलमा सुना दो. पहला कलमा तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. ओके योर गुड नेम इज बेटा? सर सौम्या सिंह. सौम्या सिंह. सौम्या सिंह किसने नाम रखा आपका ये सौम्या? सर मेरे फादर ने. फादर ने रखा था. ओके यहाँ से किताब उठाइए जरा, उर्दू की किताब उठाइए और कोई सा भी पेज लीजिए और रीड करना शुरू कर दीजिए जरा इसका. लेट बी यहाँ से राइट साइड. हाँ शुरू करिए, रीड करना शुरू करिए. काजी ने जब उस आदमी को उस इस बुरी तरह रोते देखा. ठीक है ठीक है आप बंद करिए. आप जरा सा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उर्दू में दिखाइए. अच्छा आप लेफ्टी हैं गुड. चलिए ठीक है गुड मैं समझ गया. आगे बताइए. अच्छा सौम्या ये बताइए योर फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स. Tell me the what is the divisibility of 11? Sir, if the sum of all even digit number and if the sum of all odd digit number and their difference is 0, 1, then the number 0 and 1, then the number. No, 0 and a multiple of 11. 0, yes, 11, a multiple of 11, then the number should be divisible by. Okay, there are how many types of lines? Sir, there are many types of lines. Example, name sir, them. Sir, intersecting line, congruent lines, and parallel lines. Intersecting lines and overlapping lines? The parallel lines. Parallel lines, okay. Okay, Adiba, you said that your favorite subject is science. Can you tell me the different types of diseases? Yes, sir. There are two types of diseases, communicable diseases and non-communicable diseases. Mm-hmm. Okay. Any example of communicable and non-communicable? Sir, the example of communicable are typhoid and pneumonia. And non-communicable is scurvy, beriberi. Typhoid and pneumonia is communicable? Yes, sir.
Sure. Yes, sir. Okay, different types of rocks. Sir, sedimentary rock, igneous rock, metamorphic rock. Okay, what is deforestation? Sir, cutting of trees on a large scale is called deforestation. And what is afforestation? Planting of trees on a large scale is called afforestation. What is seismograph? Seismograph. Yeah. Seismograph is a device. Graph. Sir, it's an earthquake measure. Measurement. If you measure it with this Richter scale. Yes, sir. Then what is this? What difference between seismograph and Richter scale? Seismograph is a machine, I think. Ah. And Richter scale se uski intensity. Intensity measure. Good. Can you tell me the different types? They say who are carnivorous? Carnivorous animals. The lion. क्या डिफिनेशन क्या कार्निवोरस का? That it meat flesh. Meat and flesh. And what are omnivorous? They both eat plant and animals. Herbivorous? Eat plants. Only plants. Okay. What are flora and fauna? Sir. Flora किसे कहते हैं? Fauna किसे कहते हैं? नहीं climbers क्या होते हैं? Sir जो tree चढ़ते हैं. हाँ ऊपर जाते हैं ना. Herbs और shrubs में क्या difference है? Sir herbs छोटे plant होते हैं. और कितने तरह के रिप्रोडक्शन के तरीके होते हैं? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पता है? कौन कौन से? फ्लावर, रूट्स, स्टेम. अच्छा, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक. You tell there are how many ways that the seed can dispose? Excuse me, sir. Seeds कितने तरह से dispose हो सकते हैं? Sir, four types. कौन कौन से? Sir, dispersal by wind, dispersal by water, dispersal by explosion, and dispersal by animals and humans. Animals and humans. Any example of these? Sir, wind के लिए dandelions and sycamore. Sir, and water के लिए coconut. And sir. Animals and उसके लिए mango वगैरह and for explosions and peas. Okay, what are difference between seeds and seedlings? So seeds are the things that are sown from which a plant grow, while seedling are already grown by a seed. Small baby plant. Yes, baby plant. Saplings we do. Saplings करके भी तो word होती है कोई. Have you ever heard about cotyledons? Yes, sir. What are they? So cotyledons are the place where food are stored for the baby plant. Can you define me what is migration? Migration is some birds and animals migrate to other places. It's called migration for their adaptations. Okay, and what is camouflage? Camouflage is the blending of an organism in its background. Example? Example, chameleon. Okay, and then what is hibernation? Hibernation is some animals get into long sleep for adapting the atmosphere or environment of the sea. Some in winter mostly. Example? Example, a lizard. Lizard. Crocodile and bear. Okay.